राहुल मेहमान, आप सभी का वेलकम करता हूँ इंडिया सेलेब स्टॉक शो में। और आज मेरे साथ है भैया जिसने पूरे दुबई में धमाल मचा रखा है, नागपुर का एक ऐसा लड़का, छोटा सा नाम था, आज इतना बड़ा नाम और इतनी सारी शोहरत और साथ ही इतना सारा टैलेंट, वर्धमान। पहले तो नागपुर में वेलकम है आपका। और कैसा लग रहा है वापस नागपुर आकर, दुबई में इतना धमाल मचा कर? यार नागपुर ना हमेशा से रूट्स रहे, इट्स माय होम। यहाँ पे 24 साल मैं बड़ा हुआ हूँ, उसके बाद फिर दुबई गया, सो बस तरीपुआ अभी भी रग में दौड़ता है यार, इतना मिस करता हूँ ये सब। एंड थैंक यू सो मच फॉर, फर्स्ट ऑफ ऑल रियली अप्रिशिएटेड, बिकॉज दिस काइंड ऑफ सपोर्ट इज वेरी रेयर। वंस यू गेट योर द सपोर्ट फ्रॉम योर ओन सिटी, देन द आर्टिस्ट एक्चुअली ग्रोज, तब वो ऊपर निकलता है और सिटी को साथ में ऊपर लेके निकलता है। नहीं, जितना आपके अंदर काबिलियत है, जिस तरह हम आपको देख रहे थे बढ़ते हुए, डेफिनेटली आपको आज आप यहाँ पर हो, डेफिनेटली बहुत जल्दी आप और कहाँ कहाँ पहुँचने वाले हो। और आगे बढ़ते हैं, नागपुर से लेकर दुबई का सफर कैसा रहा? सो बात है 2016 की, माँ बाप ने बोला बेटा रोना नहीं, हो कर भी बड़ा कभी होना नहीं, सरकार ने बेटा अब ली, सत्कार है मेरा पर कार नहीं, खुद को भी बेचा तो तू जाएगा ही, बेटा तू है मेरा उद्धार का नहीं, उद्धार कर खुद किसी और का नहीं, खोटी मेरी डांट पर प्यार नहीं, बट जब होगा भूखा प्यासा, जो दुबई में था तब याद आएगी ये बात ही। सो ऐसा पुश मिला मेरे को दुबई के लिए। क्या बात, एसोसिएशन, लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट, मैंने शायद बताया नहीं किसी को कि हाँ बताने की जरूरत भी नहीं है, ऑलरेडी इतना नाम है कि ये रैपर भी है, ये एंकर भी है, ये होस्ट भी है और ये रेडियो जॉकी भी है, मतलब कुछ छोड़ा हुआ है आपने, और बिट बॉक्सिंग, सॉरी। तो शुरुआत बिट बॉक्सिंग से ही करते हैं, ठीक है। बीट बॉक्सिंग में हमेशा से माय पर्सनल फेवरेट इज दिस रिदम, बिकॉज इट इज डेवलप्ड बाय मी, डिस्कवर्ड बाय मी, काइंड ऑफ जिप अप 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 Nailed it. Thank you. Literally nailed it, man. इतना सारा टाइम मजा ही आ गया। ये थी बीट बॉक्सिंग, मुझे लगता है कि इनके गले में सारे इंस्ट्रूमेंट भगवान ने डालकर ही भेजा हुआ है, खुद बैठी हुई है अंदर क्रैच करने वाली है, ये फुल ऑन लगे हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि रैपिंग भी आप बहुत सही करते हो, आपके ऑलरेडी कितने गाने लॉन्च हो चुके हैं? मेरे 9 गाने लॉन्च हो चुके हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं कल ही मेरे पार्टनर के साथ बैठा हुआ था, एज इन माय मैनेजर के साथ, सच में याद नहीं आ रहा था ये रिलीज हो गया, ये हो गया। सो 9 गाने रिलीज हुए, स्टार्टेड विद माय डेब्यू पैसा पानी, इट्स अ रियल स्टोरी, एवरी सॉन्ग ऑफ बाय मी इज अ रियल स्टोरी बाय द वे, उसमें कुछ भी एडल्ट्रेशन नहीं है, वो एकदम रॉ है, मैसेज है और म्यूजिक तो है। ऐसा कोई रैप जो आपके दिल को बहुत छूता हो? हाँ यार, सो एक टाइम पे बस रेगिस्तान में दुबई में पीने के लिए पानी नहीं था, सो उस दिन मेरे को पानी की वैल्यू पता लगी, सो दैट्स व्हाई आई रोट दिस सॉन्ग टू बी आउट वेरी सून। सॉन्ग नेम इज गीला पानी, शावर लेते रहते बनाया था मैंने, गीला पानी, गीला गीला पानी, पानी की कहानी, पानी की जुबानी, जाने अनजाने में हम सब ने पानी की मारी, हर बीमारी का हल था पानी, हर आमियों ने पानी में बीमारी डाली, डाली कूड़ा नाली जहर इन द गीला पानी, पैकेट बिस्किट मारी, गंदे कपड़ा, गंदा खाना, खाना फेंकने का बहाना, करो शेर करो वेस्ट, हाँ पानी से उत्पादन करते, उत्पादन में पानी भर के हर घर में, फिर बिजली चमके, प्रगति की प्रक्रिया में, प्रकृति की प्रक्रिया की, हर पल हर क्षण हत्या करते, फिर लाइन में लग के बिल भी भरते, भरते पैसे पानी के बर्बादी के, होगी मृत्यु आबादी की पानी की महामारी से, तू हिंदुस्तानी पाकिस्तानी किर्गिस्तानी या कहीं का तू सैलानी, सबकी जिंदगानी गीला पानी, पानी की कहानी, क्योंकि मैं हूँ गीला पानी, मैं हूँ गीला पानी, उदालो जिम्मेदारी तू जो, सो ऐसा कुछ सॉन्ग है। बहुत बढ़िया, बहुत 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 अल्टीमेट, और समझना पड़ेगा हम सबको कि पानी की कीमत क्या, पानी की वैल्यू क्या, और ये तब समझ में आती है जब इंसान को बहुत प्यास लगती है और आजू बाजू पानी दिखता है, जब आपको पल भर के जब पानी नहीं मिलता, जब प्यासे होते हो तो आप किस तरह तड़प जाते हो, तड़प जाता है और सूख जाते हो। इमेजिन करो ऐसे बहुत सारे गाँव है जहाँ कहीं दिनों तक पानी नहीं आता, कहीं महीनों तक पानी नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत ही धमाकेदार रैप था, तो रैपिंग की दुनिया में आपने कैसे कदम रखा? मैं रैपिंग नहीं, मैं हिप हॉप की दुनिया में सबसे पहले कदम रखा, किस तरीके से, बीट बॉक्सिंग से। कुछ अजीब हो गया था, सो मैंने कहा कि चलो कुछ इस अजीब से एनर्जी को चैनल करके पॉजिटिव एनर्जी में डालते हैं। क्या बात है, तो वो अजीब सा क्या, वो ब्रेकअप हुआ था? तुमने क्यों पकड़ लिया, हर लड़का आशिक के बाद रैपर या तो सिंगर, लेकिन इतना सारा पैकेज बहुत कम लोगों के पास मिलता है। जी जी,
हाँ जी, सो बीट बॉक्सिंग पहले शुरू हुई, उसके बाद फिर मैंने पहला मेरा गाना लिखा था जब आपने मेंशन किया, मैंने कुछ नहीं बोला मेरा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो आपने जो जैसा बोला तब एक पहला गाना लिखा, उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक के वहीं पर रखा हुआ था, 2-3 साल तक के। फिर मैंने सोचा कि यार अब आ ही गए हैं और ये पानी वाला इंसिडेंट भी हो गया है, मैं रो भी दिया हूँ तो गाना ही लिख देते ना, है ना, क्या बात है। क्योंकि यार मैं बचपन से एक ही चीज़ तो करता हूँ, म्यूज़िक। तो बस मैंने रैपिंग की दुनिया में कदम रखा, मैंने लिखा, पैसा पानी, बैठा, रिकॉर्ड किया, रिलीज कर दिया। बहुत जल्दी आपका और एक गाना आने वाला है जिसकी शूटिंग मेरे ख्याल से कल या परसों भी है, कले, जो कले। बात करते करते बता रहे थे, मतलब ये भी रिवील ही कर देते तो कल जो गाना शूट करने जा रहे हो या बनाए हो किसके ऊपर हो, क्या वो है? एक बहुत फेमस कोरियन वेब सीरीज पे नेटफ्लिक्स पे बहुत फेमस चल रहा है अभी, बहुत ज्यादा ही मतलब उसका फायर चल रहा है, स्क्विड गेम। तो भैया उसमें एक गाना बना है, तो ऐसा लगता है कभी इंडिया में ऐसा हो सकता है जैसे स्क्विड गेम में हो रहा है? एनी चांसेस? आई थिंक होता है पता नहीं चलता, पता नहीं चलता है, हम ऑलरेडी स्क्विड गेम में पहले ही है भाई, पहले ही है। तो मतलब अगर काम नहीं, आई थिंक ये वर्ल्ड में होता है कि अगर आप खुद के लिए सही नहीं खेलोगे, खुद की एक्शन सही नहीं रखोगे तो एलिमिनेट तो हो ही जाओगे यार। क्या बात, मेक सेंस मैसेज एक बहुत ही अच्छा मैसेज। इसी के साथ जानना चाहता हूँ कि एंकरिंग करते हो, रैपिंग करते हो, बीट बॉक्सिंग करते हो, पूरे दुबई में अपने शोज किया हुआ है, इंडिया से कुछ एक्सपेक्टेशंस कभी कुछ? इंडिया से मेरे को बस एक एक्सपेक्टेशन था कि यार जब भी मैं आता हूँ ना, देखो यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ वहाँ पे, मैं भी मान भाई को बता रहा था कितनी मेहनत, अभी सब कुछ इंटरव्यू में बताऊंगा तो ये मूवी बन जाएगी, इंटरव्यू नहीं, ठीक है। वहाँ से लेकर अपन ऐसे मुकाम पे आए कि अब क्लब्स बोलते हैं कि वर्धमान यू हैव टू कम टू लॉन्च योर सॉन्ग, देर आर लॉट ऑफ पीपल, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ देम, गॉड ब्लेस दुबई, कि वो लोग इतना सपोर्ट करते हैं, लेकिन यार मेरा घर थोड़ा मेरे को और सपोर्ट कर देना, स्पेशली नागपुर, उसके बाद तो और इंडिया, ये थोड़ा और सपोर्ट कर देना, ऐसा पुश मिल जाएगा ना यार, मैं बता रहा हूँ, इट्स माय, देखो एक विजन होता है, एक मिशन होता है, ठीक है, और एक वैल्यूज होती है। सो मेरा मिशन ये है ना कि जिस जिसने सपोर्ट किया है मुझे, उसको मैं ऐसा साथ में ऊपर लेके जाऊँ। क्या बात है, क्योंकि पानी भी गीला पानी जो गाना है, इट्स माय वे टू गिव बैक टू द सोसाइटी, ये भी इट्स माय वे टू गिव बैक टू द सोसाइटी। मेरे वीडियोज में भी जो भी आता है उसको जो भी रहता है उसको मैं, पैसा तो ठीक है, फीस तो रहती है, लेकिन उसको मैं बोलता हूँ कि फॉर यू द वैल्यू एडिशन इज ये वीडियो का 10% तेरा है लाइफ टाइम, क्या जितना पैसा आएगा भाई ट्रिलियन पहुंचेगा, तो रखो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात है, मतलब बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ा स्ट्रगल है, तब जाकर नागपुर का लड़का दुबई में बवाल मचा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि नागपुर के लोग भी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये टैलेंट अभी छुपने नहीं वाला, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लो सूरज उगी जाता है, दिन आ ही जाता है, और डेफिनेटली वर्धमान बहुत जल्दी बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे, पूरा फाड़ देंगे, ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पे हो, आपके मुंह घी शक्कर भाई, घी शक्कर भाई, मेरे 10% याद रखना, इनके 12 हैं, थैंक यू सो मच, आई गॉट यू 12%, तो मैं भी धीरे धीरे यहीं से कमा रहा हूँ। कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद हो, जो लगता है कि यार ये तो ऐसे बैठे बैठे लिख दिया और मजा आ गया? हाँ यार, एक बहुत कमर्शियल टाइप का गाना है, वैसे बहुत सारे है, ये दो है, फटाफट कर दूं। हाँ। तो एक है जरूरी है कि, वो 45 मिनट्स में लिखा था, वो सबसे हिट गया मेरा गाना। जरूरी है कि इज बेसिकली अ क्वेश्चन ऑन एवरी सिंगल थिंग, हम जैसे जो भी कर रहे हैं ना, क्या वो जरूरी है क्या? जरूरी। उसका छोटा सा लाइन दे देता हूँ, जरूरी है क्या, जो करते हम वो करते जाना, खाते वो ही खाते जाना, वो ही रोज पचाते जाना, डरते जिससे डरते जाना, जरूरी है क्या, ऑफिस केवल सूट में आना, सबकी जाके चाटते जाना, पैसे ही कमाते जाना, सबकी एक ही मंजिल होती, सबका है एक ही ठिकाना, बड़ा बंगला नौकर पाना, महंगी सी गाड़ी चलाना, एक दो बच्चे पैदा करके तुम बस घर पे लेके आना, लड़का हो तो बाइक चलाना, लड़की को स्कूटी पे जाना, नहीं 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 नहीं, तू रुक, लड़की है, कार लेके जाना, फिर दोनों अच्छे स्कूल में जाना, बाप का नाम तो मत डुबाना, पढ़ के अच्छे नंबर लाना, नंबर लाके कॉलेज जाना, फेसबुक पे डिग्री लगाना, कुत्ते का नाम टॉमी रख के बिल्ली को उसमें बुलाना, जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत 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 अल्टीमेट। दूसरा और एक मैं चाहता हूँ, आप लगे रहो यार, बड़ा मजा आ रहा है, मेरे ख्याल से जितने लोग देख रहे होंगे ना वो लिटरली आज बूम पे होंगे। ये वाला हम लोगों ने लिखा था 15-20 मिनट में, जो कि बहुत कमर्शियल वाइब पकड़ लिया है, मैं इसको चाह रहा हूँ कि इसको लेबल के थ्रू रिलीज करूँ। द सॉन्ग्स नेम इज बनानास, बनानास मतलब मैं पागल हो जाता हूँ तेरे लिए, इट्स अ लव सॉन्ग, ऐसी लिख दिया था, ठीक है, ऐसी लिखता नहीं है कोई यार, कोई दिख जाती है कहीं से, टकरा जाता है इंसान, फिर वो दो फूल आपस में मिलते हैं, पता है ना पुरानी फिल्मों में होता था, बस वही खेल है। सो
रिश्ता तेरा मेरा जैसे आसमान और पंछी का रिश्ता, तेरा मेरा जैसे ताले और जैसे चाबी का रिश्ता, तेरा मेरा जैसे टायर और जैसे चक्की का रिश्ता, तेरा मेरा जैसे पानी और जैसे मछली का, आते जाते तेरी ये बातें ही रह जाती है याद, आती है मुझे तेरी वो बच्चों वाली बातें, आई लव यू मैं तुझको बोलूं मम्मी पापा से मिला के माँ कसम, सही है मेरे इरादे, लिसन आई गॉट फीलिंग्स फॉर यू, दैट्स व्हाई आई गो आई गो आई गो आई गो आई गो बनाना 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 फॉर यू, आई गो बनाना बनाना फॉर यू, बनाना 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 फॉर यू, आई गो बनाना बनाना फॉर यू। सो ये लिखा था इसमें जब बनाना उसका ये जो ये मोमबत्ती पकड़ता है ना तब अच्छा खींच लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप गाने भी बनाते हो, आप खुद की म्यूजिक यहीं से निकाल कर वो भी डाल देते हो, आपका सारा पैसा बच जाता है। आप पहले इंसान हो जिसने लोगों को सही पकड़ लिया, पैसा नहीं बचता है, सिर्फ प्रोडक्शन का आइडिया आ जाता है, आइडिया आ जाता है, ऊपर से पैसा भी बचता ही है ना, क्योंकि आप तो दे रहे हो सब कुछ, बस वीडियो का खर्चा आ रहा है इनको। नहीं नहीं भाई पैसा लगता है भाई। अच्छा ज्यादातर आप नागपुर के दर्शकों से, विदर्भ और इंडिया के लोगों से क्या कहना चाहोगे, क्योंकि बहुत लंबा स्ट्रगल था, बहुत छोटी दुनिया से आपने बहुत बड़ी दुनिया बनाई और बहुत मेहनत की है, क्योंकि एक नागपुर के शहर का लड़का सिर्फ बॉम्बे में नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि एक दुबई दूसरी कंट्री में जाके धमाल मचा रहा है और आज हर पब में और आज हर क्लब में वर्धमान का नाम चल रहा है। तो बॉस एक ऐसा मैसेज जो सबके दिल को छू जाए और सबको एक नई उम्मीद दे दे, अगर सपने टूटे हैं तो फिर बनेंगे। यार ये बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। देखो यार मैसेज मैं ऑलवेज विद एन एग्जाम्पल देता हूँ, लाइव एग्जाम्पल इज मी सिटिंग ओवर हियर। मैंने घर से पैसे नहीं लिए क्योंकि नहीं ले सकता था मैं, मेरी जिम्मेदारी थी खुद का करियर बनाने की। मैं गया वहाँ पे, मेरा अब मैंने एक चीज़ रियलाइज कर ली थी, मेरा पर्पस आ गया था कि मेरे को मेरे पेरेंट्स को अब सपोर्ट करना है। तो पहला क्या आ गया, पर्पस आ गया कि अब सपोर्ट करना है। अब दूसरा डिटर्मिनेशन कि भाई कुछ भी हो जाए, I didn't come this far just to come this far। ये मेरा प्रोवर्ब नहीं है, किसने बोला होगा, मेरे को बस ये याद है। यार यहाँ तक के तो नहीं पहुँचा, सिर्फ यहाँ तक पहुँचने के लिए। अब आया हूँ ना तो मेरे अंदर फायर ये था कि दुबई पे दुबई जीत के जाऊँगा भाई। क्या बात, दुबई जीत के जाऊँगा। जब ये वाला फीलिंग आ जाता है ना, बस ये दो चीज़ें ख़त्म कर देती है, वो आप चलते रहते हो। एंड लेज़र आपका फोकस, जो जिस टाइम पे सदगुरु ने बोला है कि ऑलवेज बी इन द मोस्ट प्रेजेंट मोमेंट, राइट हियर राइट नाउ, दिस मोमेंट इज इनएविटेबल, इसके पहले इसके बाद कुछ नहीं है, दिस प्रेजेंट मोमेंट। ये भी तो गया, देखो ये भी तो गया, सो उसमें ही रहो। उसमें जब रहोगे तब आप सोच पाओगे कि कैसे करना है मेरे को। एग्जैक्टली ठीक है, जितना प्रेजेंट में आप रहोगे आप उतना कर पाओगे। एंड आपका विजन, आपका एम तो होना चाहिए। मेरा विजन बहुत बड़ा है यार, मेरा विजन इज लाइक, बता दो। हाँ बिल्कुल, मेरा विजन ये है कि मेरे कॉन्सर्ट में जो फ्रेडी मर्क्यूरी सबसे बड़ा कॉन्सर्ट किया था, उससे 10 गुना बड़ा मेरे को कॉन्सर्ट करना है। क्या बात है, पूरे दुनिया को एक जगह खड़े करना है, हिंदुस्तान पाकिस्तान रशिया यूएसए इराक ईरान अफगानिस्तान, तालिबान भी रहेगा वहां पे क्योंकि वो भी एक कंट्री बन गया ना। ठीक है भाई, जोक था भाई, सेंसर्ड जोक था भाई। ठीक है, ये सब वहां पे रहेंगे और मैं ये सब मेरे गानों पे नाच रहे हैं ब्रो, और मैं इनको एकदम से गाना रोक के बोलूं कि यार एक मिनट रुको, नाच क्यों रहे हो आप, तो अलग अलग कंट्री से ना लड़ो। अरे भाई पानी का बॉटल थोड़ा मारो तो ऐसा फेस पे, क्यों नाच रहे हो, क्यों, क्योंकि म्यूजिक में पावर है, म्यूजिक में यूनिटी है, म्यूजिक में यूनिटी है, पॉइंट। दिस होल यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन ये मैं नहीं क्वांटम फिजिक्स बोल रहा है, क्या बात है, ये म्यूजिक है, तो म्यूजिक में पावर है, लड़ो। आई वॉन्ट 1,000 करोड़ लोग उधर भाई, और बाकी टीवी पे देख रहे हो वो अलग। क्या बात है यार, लिटरली वेरी इंस्पायरिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ये समझ में आया कि इंसान के सपने हमेशा बड़े होना चाहिए, रास्ता छोटा ही होगा लेकिन जब मंजिल तक लेके जाएगा तो सबसे खूबसूरत होगा और सबसे बड़ा होगा, और जिसकी जितनी बड़ी सोच उतना बड़ा हासिल, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है आप बस सोचिए और उसको पाने की इच्छा रखिए, कोशिश करते रहिए, डटे रहिए, आप तक जरूर पहुंचेगा, डेफिनेटली। तो थैंक यू सो मच, जाते जाते आपके रैप सॉन्ग के साथ और बिट बॉक्सिंग दोनों के साथ, ठीक है, विदा लेंगे हम। ठीक है, ये एक अपकमिंग है, वो तो मैं बताऊंगा नहीं, थोड़ा सा जो गर्ल शूट हो रहा है, चेक लेके आओ एक सॉन्ग था, चेक लेके आओ यार, अरे यार ये तो मेरे सिंधी भा है, तो स्वाग मेरा सिंधी सुना देता हूँ ना मैं, चलेगा चलेगा। ये
Swag mera, J J J J. It's apple juice, yo. Swag mera, Sindhi. Swag mera, J J. Swag mera, Sindhi. Swag mera. Go. Swag mera, Sindhi. Na main baat karta chindi mera style pura blingy, not your roadside bhangi. Glass mein hi class hai. Kisi ki whiskey, kisi ki chhas hai. Sabko lagti pyaas pyare, paise ki hi pyaas hai. Oh mere bhai, I'm the real Sai. Main vadera in karera, niklu bar Dubai se dera, dera main main dera dalu. धंधे में मैं सबसे चालू, जिंदगा तो मैं ही लालू। काम करते करते सुबह हो गई मामू। ओ बेबी, हाँ प्रिटी तेरी बिंदी, पर उसके पहले स्वैग मेरा सिंधी। बोलो स्वैग मेरा सिंधी। बस यार टू गुड मतलब लिटरली टू गुड। बस एक चीज थी कि मैं पंजाबी हूँ और ये गाना जो सिंधियों के लिए वो कमाल का है, बेमिसाल है। मैं एक गारंटी कह सकता हूँ, मैं अपने सारे दोस्तों को टैग करने वाला हूँ। मेरे कम से कम सारे दोस्ती सिंधी है मेरे तो सबको टैग करने वाला हूँ। उनको शॉर्ट आउट देना चाहूंगा, पुनीत ललवानी, डूइंग वेरी गुड थिंग्स इन दुबई। रिस्पेक्ट टू हिम, रिस्पेक्ट टू द होल क्रू, एंश्योर इवेंट्स, तरनप्रीत वाज देयर एंड द म्यूजिक वाज इन। हाय थैंक यू सो मच, आप हमारे चैनल पे नहीं आए अभी तक, बहुत जल्दी हम आपको भी उठा के ला लेंगे वहाँ से डेफिनेटली। और मेहमान यहाँ से तो विदा, थैंक यू सो मच वर्धमान फॉर कमिंग हियर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू, बहुत इंस्पायर हो गया हूँ मैं खुद भी आज, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और आप देखते रहिए NBCN न्यूज, क्योंकि सच दिखाए बिना छुपाए। एक और चीज बोलूं, इट्स एप्पल जूस, ये इन्होंने अपनी ब्रांडिंग पूरी कर ली है। ये मेरा ब्रांड है भाई, ये नागपुर में इसकी फैक्ट्री लगने वाली है। क्या बात है, इट्स एप्पल जूस। So thank you so much. Thank you. Love you all. Bye-bye.